खाने की खुशबू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल के फरे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम चने का दाल, 2 कटोरी चावल का आटा, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया का पत्ता, रिफाइन ऑयल, नमक, जीरा, हल्दी पाउडर और पानी। सबसे पहले चने के दाल को, लहसुन को और हरी मिर्च को हम मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। चने का दाल 2-3 घंटे पहले मैंने भिगोया था, अब वो रेडी हो गया है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। ये देखिए, ये ग्राइंड हो चुका। अब इसे एक बड़े बर्तन में हम निकाल लेंगे। और इसमें नमक, हल्दी और जीरा तीनों अच्छे से मिलाकर, इसमें धनिया का पत्ता भी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, अब इसे रख देंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तो इसमें रिफाइन ऑयल 2 चम्मच डाल के, और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें हम पानी डाल देंगे। डायरेक्ट 1 ग्लास पानी डालेंगे। और इसमें जब उबाल आने लगेगा तो नमक डाल के अच्छे से चलाएंगे। इसमें उबाल आने लगा और अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि बीच बीच में इसमें गुलटियाँ ना पड़ने पाए, और डाल के हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इससे चावल का आटा पक जाएगा। ये दूसरा बॉल मैंने डाला और इसे मिक्स किया। यहाँ पानी थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। मैंने पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। मीडियम आंच पे इसे हम पका लेंगे थोड़ी देर तक और लगातार चलाते रहेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो इसे एक बड़े बर्तन में हम निकाल लेंगे। तले में चिपका हुआ रहेगा, उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और अच्छे से इसे गूंथ लेंगे। इसे बहुत अच्छे से गूंथेंगे और ये नरम चावल का आटा जो है वो एकदम नरम तैयार हो जाएगा। अब इसकी हम लोइयां बनाएंगे। पहले आटे के 2-3 पार्ट में अलग कर लेंगे और इसे लोइयां बनाएंगे हम। इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ये रेडी हो गई है। अब एक लोई लेंगे और उसको गोल करेंगे। गोल करने के बाद इसे आटे में, सूखे आटे, ये चावल का आटा है, सूखा है, इसको लगाएंगे ताकि ये चिपके ना, और इसको बेल लेंगे। और एक साइज के लिए इसको ग्लास लेंगे, ग्लास से इसको दबा देंगे, काट लेंगे, और इसका जो मटेरियल बच रहा है वो हम साइड में रख देंगे। ये देखिए, ये तैयार हो गई है। ये ना ज़्यादा बहुत पतली है और ना ज़्यादा बहुत मोटा है, ये मीडियम साइज में, जो इसकी थिकनेस है वो मीडियम रहेगी। और ये मैंने अलग कर लिया उसको, फिर मैं लोई लूँगी और इसे इसी तरह सारी लोइयाँ बची होंगी सबको मैं बना लूँगी। ये देखिए, ये रेडी हो गया। मैंने सारी लोइयों को ऐसे पतला पतला बेल लिया है और इसे साइड में रख दिया है। अब ये देखिए, ये जो बची हुई थी उसका
मैं एक और आकार दे रही हूँ, इसे लंबा लंबा मैं तैयार कर ली, इस तरह हो जाएगा। और बाकी एक और शेप मैं दे रही हूँ, ये है, इसको मैं अंगूठे से बीच में हल्का सा मैं दबा दूँगी, किनारे से दबा के मैं बीच में, और मैं इसे रख देती हूँ साइड में इस तरह। बाकी सबको आप कर लीजिए, आप कई शेप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको 3 शेप दिखाया है। फ्लेम ऑन करेंगे फिर से, और गहरा बर्तन, जैसे मैंने यहाँ भगोना रखा है, गहरा बर्तन रखेंगे, इसमें पानी डालेंगे, मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाला है, और चलनी, स्टील की चलनी है ये, इसको रख देंगे, और इसमें रिफाइन ऑयल हम लगा देंगे, क्योंकि तले में चिपके ना, जब हम परे को रखेंगे तो ये तले में चिपके ना, इसलिए मैंने यहाँ रिफाइन ऑयल लगाया है। और इसे ढक देंगे, प्री हीट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। अभी चावल के आटे का जो लोई है उसको मैंने बेल लिया था, इसमें हम चने की दाल को भर देंगे, बीच में रखेंगे और दबा देंगे। ये एक शेप तैयार हो गया, ऐसे सभी को हम बीच में रखेंगे और तैयार कर लेंगे। आटा आप थोड़ा और मुलायम सानिएगा, क्योंकि थोड़ा और मुलायम कर लीजिएगा, थोड़ा सा और ये मुलायम रहेगा तो साइड से फटेगा नहीं। अब ढक्कन हटाएंगे और देखिए इसमें से भाप निकल रही है, परे हैं उसको रख देंगे लाइन से। ये शेप है, इसमें मैं थोड़ा सा चने का दाल मैं भर दूंगी, और इसे भी मैं छलनी में रख दे रही हूँ। और ये पतले लंबे, इसको चेउआ भी कहा जाता है, इसको ढक दूंगी मैं। अब ये लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे ढक कर पकने दूंगी। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा जब ये पकेगा, तो आपको थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ये पक चुका है, अब इसे, ये गरम गरम है तो चिमटे की सहायता से मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए परा बनके तैयार हो गया है। इसे करवा चौथ के व्रत में स्पेशली बनाया जाता है, और आप कभी भी किसी भी टाइम ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में आप बना सकते हैं, इसे चटनी और टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ 3 शेप बनाया है, ये लंबा वाला शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली करवा चौथ के व्रत में, और मैंने यहाँ 3 शेप बनाया है। अब इसे सर्व कर देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।